वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बिल्कुल हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। आज है मंडे, सो हैप्पी मंडे गाइस। आज काफ़ी सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ, आप लोग देख सकते हो बिल्कुल लाइट भी नहीं इतना। एक्चुअली बहुत टाइम बाद, ऑलमोस्ट 2 साल से भी ज़्यादा बाद आज हितेश ऑफिस जाने वाले। हाँ एकदम उनका ऑफिस का वैसे तो टाइमिंग है 6 AM, बट 6 AM को तो नहीं जा रहे, कुछ थोड़ा लेट ही जाएंगे, 8 बजे के आसपास निकलेंगे। तो अभी 7:30 AM हो रहा है, मैंने सोचा कि मैं थोड़ा उठ जाती हूँ। तो इतने टाइम बाद ऑफिस जा रहे तो अलग एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है। एनीवेज तो इस वीडियो को अभी शुरू करते हैं। आज फुल मॉर्निंग रूटीन, या पता नहीं, मॉर्निंग रूटीन तो डेफिनेटली देखेंगे आप लोग, साथ ही साथ में भी वीडियो एक्सटेंड भी हो सकता है, और भी बहुत कुछ स्पेशल करने वाली हूँ आज मैं। आप लोग देखते रहे इस वीडियो के एंड तक, आशा करते हो आप लोग को अच्छा लगेगा। अभी हितेश निकले ऑफिस के लिए, तो अभी मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। हितेश कुछ खा के नहीं गए क्योंकि इतना सुबह सुबह उनको खाने का मन नहीं था, तो बोला वहाँ जाके कुछ खा लेंगे, मैं भी बाहर से जो भी करते हैं। तो मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, मैं सिंपल एग वाला सैंडविच और फ्रूट बनाऊँगी और फ्रूट्स खा लूँगी, हो जाएगा। तो सुबह सुबह उठ के ना थोड़ा गला भारी रहता है मेरा। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग एसी ऑन करके सोते हैं तो थोड़ा सा गला ऐसा भारी जैसा लगता है, बट यार एसी के बिना भी नहीं सो सकते। एनीवेज थोड़ा मैं ब्रेकफास्ट का प्रिपरेशन कर लेती हूँ, सबसे पहले फ़ैन ऑन कर लेती हूँ किचन का। सुबह सुबह ये साइड पे इतना गर्म होता है ना, ईस्ट साइड है मेरा ये बालकनी का साइड, पूरा धूप देख सकते इतना आता है ना, इरिटेटिंग लगता है मुझे। तो प्रिपरेशन करते हैं खाने का। If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy, or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff. तो ये रहा मेरा आज का ब्रेकफास्ट। एक मैंने यहाँ पे सैंडविच लिया है, एप्पल है और साथ में डेट्स। Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over, I swear that I'm sober, just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. एक्चुअली ऑफिस उनका शुरू नहीं हो गया आज, एक्चुअली ऐसे ही सब लोग मिलने के लिए गए हैं, बहुत टाइम हो गया, 2 साल हो गए। तो उनके हर एक टीम ऐसे अपना अपना, सब टीम मेंबर्स जो है, टीम मेट्स जो है, सब लोग मिलने आ रहे हैं एक एक दिन करके, तो वही ऑलमोस्ट बोल सकते हैं। तो वो भी थोड़ा काम भी हो जाएगा एंड साथ में सबसे मिलना भी हो जाएगा, क्योंकि सच पूछिए डेफिनेटली जो लोग ऐसे एवरीडे बाहर जाते हैं उनके लिए 2 साल ऐसे घर पे बैठ के काम करना थोड़ा सा तो इरिटेटिंग हो ही जाता है ना एक टाइम पे आके। तो जो भी हो, बट हाँ ट्रैफिक में एक्चुअली बैंगलोर में अच्छा ही है, सब लोग वही बोल रहे हैं कि घर पे बैठ के काम करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा बच जाता है इतना ट्रैफिक में, एंड रोज़ टाइम पर रेडी होकर निकलना। वो भी कुछ लोग लेज़ी लोगों को पसंद नहीं, आई नो दैट, आई अंडरस्टैंड एक्चुअली देयर प्रॉब्लम, बट ठीक है हफ्ते में एक बार भी जाए तो ठीक है, बट आज तो ऐसे ही बस सब लोग मिलने गए थे तो यही पता था। तो कुछ अलग लग रहा है, बहुत टाइम बाद, 2 साल बाद ऐसे फुल ऑफिस टाइम पे मैं अकेली हूँ ना, तो थोड़ा अलग लग रहा है, अजीब नहीं बोलूँगी, अलग लग रहा है। Even if you try, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you.
अभी मेरा नहाना हो गया, पूजा एंड ऑल हो गया, अभी फटाफट लंच कर रही हूँ क्योंकि हितेश का फोन आया था। हितेश थोड़ी देर में 10-15 मिनट में निकलने वाले हैं वहाँ से, ऑफिस से, तो उसके पहले मुझे रेडी होना है क्योंकि वो आ जाए उसके बाद। एक्चुअली हम लोगों का प्लान है कि हम लोग थोड़ा सा बाहर जाए इंदिरा नगर में, मुझे थोड़ा कुछ काम है, तो इसलिए आप लोगों को मे भी ठीक से आवाज़ ना सुनाई दे क्योंकि मैंने फ़ैन ऑन किया, यार बहुत गर्मी लग रही है। तो या मैं फटाफट रेडी होती हूँ, एक मिनट, फ़ोन आ रहा है। तो ये रहा मेरा आज का लंच, थोड़ा सा राइस है कल का नॉर्मल राइस, और ये बाहर का है जीरा राइस, दाल तड़का, और यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स वेज है। सो अभी मैं रेडी हो गई और हितेश भी आ गए हैं ऑफिस से, तो हम लोग निकल रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है 3:30 PM, अभी करेक्ट टाइम है एक्चुअली निकलने का क्योंकि इस टाइम पे ट्रैफिक नहीं होता, नहीं तो 4:30 के बाद ओ माय गॉड ऑलमोस्ट पहले जैसा ट्रैफिक हो जाता। ऊपर से मैं कुक भी आएगी 7 बजे, तो मुझे लेट नहीं करना है, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। मैं बाद में बाहर जाके आप लोगों से बात करूँ। अभी जैसे हम लोग निकल गए हैं और बताना नहीं हुआ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं इंदिरा नगर। एक्चुअली ना बंगाली न्यू ईयर आ रहा है, फ्राइडे को ही है, तो न्यू ईयर पे शॉपिंग करना तो बनता है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। हितेश के लिए मैं कुछ कुछ चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है, मैं भी ऑनलाइन एक दो चीज़ें मंगवाया है, बट वो होता है ना एक बार जाके अगर वहाँ पे शॉपिंग ना करो ना तो बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता। तो मैंने सोचा चलो अभी ज़्यादा दिन भी बाकी नहीं, आज मंडे है, फ्राइडे को ही है, तो अगर कुछ अच्छा नहीं लगा या लेके गड़बड़ हुआ तो तक एटलीस्ट रिटर्न या एक्सचेंज का टाइम रहे, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं इंदिरा नगर। वहाँ पे काफ़ी सारे स्टोर से देखते हैं कैसा लगता है, तो वो सब करते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत टाइम बाद एक्चुअली स्टोर पे जाके मैं शॉपिंग कर रही हूँ क्योंकि नहीं तो ऑनलाइन ही सिर्फ हो रहा था, बोर हो गए थे ऑनलाइन कर करके। तो यस, मैं बहुत एक्साइटेड एंड खुश भी हूँ। और हाँ, ये भी मैंने ना एक न्यू ड्रेस पहना है मैंगो का, इतना कंफर्टेबल है ना मैं क्या बताऊँ, और बहुत क्यूट सा ड्रेस है, मैं ज़रूर एक वीडियो आप लोग के साथ इसका शेयर करूँगी। कलेक्शन बहुत है बट मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है, आई डोंट नो मैं क्या लूँ, देखते हैं। मुझे ये कलर अच्छा लगा है, कपड़ा भी इसका अच्छा है, ये थोड़ा सा ओके। काफ़ी सारे कलेक्शन तो थे सोच के स्टोर पे, बट मुझे एक भी पसंद नहीं आया। ऑनेस्टली कलेक्शन बहुत होते बट सच पूछो पसंद आने लायक ना एक भी नहीं था, मतलब मैं वही सोचूं एक भी मुझे पसंद नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है। बट ठीक है, थोड़ा सा क्या बोलूं, आई मीन मतलब हम लोगों जैसा एज के लिए ना बिल्कुल परफेक्ट नहीं है सोच के कपड़े, मुझे ऐसा लगता है समटाइम्स, थोड़ा ऐसा और थोड़ा सा एज के लिए वो परफेक्ट होगा, तो इसलिए नहीं लिया। साइड पे ही W का स्टोर था तो वहाँ पे भी गई, वहाँ पे भी काफ़ी सारे कलेक्शन थे, बट मुझे थोड़ा मटेरियल का इशू लगा, मटेरियल इतना सब पसंद नहीं आया इसलिए मैंने नहीं लिया। मतलब ऐसा था कि जिसका मटेरियल अच्छा उसका डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं आया, जिसका मटेरियल पसंद आया उसका डिज़ाइन पसंद नहीं आया, जैसा होता है यार ऑलवेज, मैं सोच के कुछ आती हूँ और होता कुछ और ही है, देखते हैं अभी कहाँ जाए। के बाद आज तो मेरा ऐसा लग रहा है कुछ शॉपिंग करना है ही नहीं सीरियसली, क्योंकि मैं देन अभी आई थी वेरोमोडा ओनली के स्टोर पे, यहाँ पे भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, पता है कलेक्शन सब जगह पे बहुत बहुत है, सब नया नया कलेक्शन तो आता है ना यहाँ पे समर स्प्रिंग कलेक्शन, बट मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। एक थोड़ा अच्छा लगा था बट साइज नहीं मिला इसलिए नहीं लिया, तो आज मुझे बहुत भड़क गए क्योंकि ऑफिस से बेचारे आए हैं थक हार के और सुबह सुबह निकले थे, तो इतना मैं ड्राइव करा के बोला कि चलो चलो शॉपिंग होता तो वो होता है ना एक ठीक है सेटिस्फेक्शन लगता है, ओके चलो आना तो सफल हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, हर स्टोर पे जा जाके वो बैठ गया, मैं बस देखे जा रही हूँ बट कुछ लिया ही नहीं। अरे कोई ना यार, थोड़ा आज विंडो शॉपिंग ही कर लिया, क्या ही करे,
तो अभी और किधर नहीं, सीधा घर जा रहे। मैंने बोला चलो मैं थोड़ा ड्राइव कर लेती हूँ, तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम थक गए हो आराम करो बैठ के। बट क्या ही बोलो, अभी मेरे आंखों का हालत तो आप लोग को पता ही है, जब तक स्पेक्स नहीं आता तब तक मैं ये सब नहीं कर सकती। तो अभी सीधा घर जाते हैं, मैं भी थोड़ा थकी गई हुई धूप में गर्मी में आके। ठीक है कोई ना, चलो चलते। Your night heart sticks out, I just wanna love you. So guys, अभी जस्ट हम लोग घर पे आ गए और आज शॉपिंग का डे तो फ्लॉप हो गया पूरा। कोई ना, तो अभी इस वीडियो को सुबह से शुरू किया था, मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। अगर नए हैं मेरे इस चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो गाइस, मैं आप लोगों से मिलता हूँ मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Like a car.